और स्ट्रेन को। तो जब भी कोई लोड लगाया जाता है किसी बॉडी पे, तो उस लोड से बॉडी डिफॉर्म होती है। तो इस डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए एक इंटरनल डिफॉर्मेशन फोर्स प्रोड्यूस होता है। इस फोर्स यूनिट पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो अगर हम डायग्राम देखते हैं, ये एक बार है जिसकी लेंथ है एल और रेडियस है आर। तो अगर इस पर फोर्स लगाते हैं या इस डायरेक्शन में एफ, यहाँ पर एफ, तो एक अपोजिंग फोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस होगा डिफॉर्मेशन अपोज करने के लिए पर यूनिट एरिया, तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है फोर्स जो लग रहा है, हमने जो लगा रखा है, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला बनता है। अब अगर स्ट्रेन की बात करी जाए, तो जब हम फोर्स लगाते हैं या फिर स्ट्रेस लगाते हैं एक, तो इस बॉडी में चेंज इन लेंथ आता है एक। तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ये हमारा स्ट्रेन कहलाता है। तो मैथमेटिकली स्ट्रेन का फॉर्मूला बनता है स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ यानी डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ यानी लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी लेंथ आई। तो यह बनता है हमारा स्ट्रेन का डेफिनेशन। डेफिनेशन बताने है, हुक्स लॉ को स्टेट करना है और इसे प्रूव करना। तो हुक्स लॉ हमारा ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे हम लोड लगाते हैं, तो जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है उस लोड की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लोड जिसे हम स्ट्रेस कह सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो एक्सटेंशन यानी कि स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें हम एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ला सकते हैं। तो ये बन जाता है स्ट्रेस इक्वल्स टू के टाइम्स स्ट्रेन। के यहाँ पे होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर हम इसे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ हमारा यही बोलता है स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन ये जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ये एक लिमिट तक फॉलो करता है ये रूल, जो कि जैसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर हम स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का डायग्राम देखेंगे, तो उसमें स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के एक पर्टिकुलर लिमिट तक उस डायग्राम में, उसके बाद वो इन इलास्टिक लिमिट कहलाने लगता है। तो हुक्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक वायर को हमें एक रिजिड लोड से सस्पेंड करना पड़ेगा और फिर उसके लिए हमें एक्सटेंशन मेजर करना पड़ेगा। तो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाएंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा एक दूसरे के। तो हैंस हुक्स लॉ इज प्रूव्ड। स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस वाई एक्सिस पे और एक्सिस पे हो जाएगा हमारा स्ट्रेन। तो ये कर्व ऐसा दिखेगा, ये कर्व दिखेगा हमें, जिसका स्लोप होगा के यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।